बोल सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो जी भाई सब संतन की, सनातन हिंदू धर्म की, गोमाता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सुजात में ताकत है, दम है, दम है। मंच पर उपस्थित जिन्होंने अभी बहुत ही ओजस्वी ऐसा मार्गदर्शन किया, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी, हमारी सह प्रभारी विजयाताई राहटकर जी, हमारे सांसद पीपी चौधरी जी, हमारे दूसरे सांसद राजेंद्र गहलोत जी, हमारी विधायक श्रीमती शोभा चौहान जी, लक्ष्मी नारायण दवे जी, जगबीर छाबड़ा जी, मनसाराम जी, पुष्प जैन जी, जोगेश्वर गर्ग जी, श्रीमती मंजू निकुम जी, श्रीमती संजना आगरी, श्रीमती लक्ष्मी जी, मंचासीन सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं जब सोजात आ रहा था तो मुझे बताया गया ये मेहंदी की नगरी है। हम लोग पूरे देश में राजस्थान की मेहंदी को हमारी माताएं बहनें पसंद करती है, और राजस्थान में भी सुजात की मेहंदी ये तो पूरे विश्व में फेमस है। लेकिन ये मेहंदी क्यों फेमस है, ये क्यों हमारी माता बहनों को पसंद आती है, क्योंकि इसका रंग बड़ा गहरा है। हाथ पे जब ये मेहंदी लगाई जाती है तो गहरा लाल रंग देखकर हमारी माताएं बहनें प्रसन्न होती है। लेकिन अब इस मेहंदी के साथ एक और कंपटीशन शुरू हो गया। पहले लोग केवल सौगात की मेहंदी के लाल रंग की चर्चा करते थे, अब राजस्थान की चर्चा आती है तो लाल डायरी की भी चर्चा चालू हो गई। और अब तो लाल डायरी वाला हमारे एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना में चला गया। अब शेखावत जी लाल डायरी के दो पन्ने तो आ गए थे, अब शिंदे जी को बोल के बाकी पन्ने भी मैं बाहर लाऊंगा। इनका जो कच्चा चिट्ठा है, कहां से आया, कहां गया, किसके पास गया, किसके जेब में गया, कौन लेकर गया, ये सारा कच्चा चिट्ठा अब धीरे धीरे लाल डायरी से बाहर आने वाला है। लेकिन मैं जिस समय गजेंद्र भाई साहब की बातों को सुन रहा था, उनके भाषण को सुन रहा था, तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था। ऐसी भी सरकार होती है जिसमें मंत्री सरकार का विरोध कर रहे हैं, जिस सरकार के मंत्री कोई कह रहा है मिनी बस, कोई कह रहा है छोटी बस, कोई कह रहा है और छोटी गाड़ी। मेरे समझ में नहीं आ रहा है इसको सरकार कहेंगे कि सर्कस कहेंगे। ऐसा तो सर्कस में होता है ना, सरकार में थोड़ी होता है। तो क्या राजस्थान को सर्कस के हाथ में देंगे? अरे सर्कस वालों से वापिस लेंगे और मोदी जी के हाथ में वापिस देंगे। आज हम देख सकते हैं जिस प्रकार से मोदी जी ने भारत का चेहरा बदला है, 9 वर्षों में एक बलशाली भारत, एक प्रगतिशील भारत हमको देखने को मिलता है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि भारत में पिछले 9 सालों में 14 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए,
और उन्होंने कहा ये इस शताब्दी का सबसे बड़ा चमत्कार है। अरे चमत्कार करने वाला कौन है बताइए, कौन है, किसने किया, किसने किया? मोदी जी ने किया। क्यों कर पाए मोदी जी? मोदी जी इसलिए कर पाए, फकीर आदमी है, न घर है न संसार है, पूरी जिंदगी देश के लिए दे दी, अपने जीवन का क्षण और क्षण और अपने रक्त का कण और कण ये केवल और केवल भारत के लिए समर्पित किया है। इसलिए उनके सामने केवल भारत है। देखिए ये सारी परिवारवादी पार्टियां अपना परिवार संभालने के लिए सरकारें चलाती है, पर मोदी जी उस व्यक्ति का नाम है जिसने कहा पूरा भारत मेरा परिवार है और इस परिवार को चलाने के लिए मैं सरकार चलाऊंगा। और इस देश में मोदी जी ने बड़ा परिवर्तन करके दिखाया। हम सब लोग जानते हैं कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी कहते थे मैं दिल्ली से एक रुपया भेजता हूं तो अंतिम आदमी तक 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे भ्रष्टाचार में व्यवस्था खा जाती है। ये इस देश की हालत थी। गरीबी हटाओ का नारा लगता था और कांग्रेसियों की गरीबी हट जाती थी, लेकिन आम आदमी की गरीबी नहीं हटती थी क्योंकि सारा का सारा पैसा भ्रष्टाचार में समाप्त हो जाता था। लेकिन मोदी जी ने बागडोर संभाली और क्या पहला कहा मोदी जी ने, कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा। और इस देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था मोदी जी ने तैयार की कि अब मोदी जी दिल्ली में बटन दबाते हैं तो 1 रुपया दिल्ली से निकलता है और सीधा किसान के खाते में 1 रुपया जाता है, मजदूर के खाते में 1 रुपया जाता है, महिलाओं के खातों में 1 रुपया जाता है। अब उसमें से एक ढेला भी एक पैसा भी कोई दलाल कोई बिचौलिया खा नहीं सकता। इस देश के अंदर भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए एक नई व्यवस्था को कायम करने का काम मोदी जी ने किया। इसलिए आज मोदी जी एक प्रकार से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने। और ये मैं नहीं कहता, दुनिया में हर 2 महीने में 3 महीने में सर्वेक्षण होता है कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, और पिछले 5 सालों से सबसे लोकप्रिय मोदी जी है। दुनिया में 75% रेटिंग वाले मोदी जी हैं, हमारे लिए कितनी अभिमान की बात है। आज देखिए देश के अंदर मोदी जी ने भ्रष्टाचार पर काबू किया तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मोदी जी आए तो 11वें नंबर पर थे, 5वें नंबर पर हम आए। जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 125 साल राज किया, पिछले 2 वर्ष पहले हमने उन अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया, अब उनसे भी बड़ी अर्थव्यवस्था ये भारत की बनी है। और 2030 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि साहब अर्थव्यवस्था बड़ी बनेगी तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था जब बड़ी होती है तो अवसर तैयार होते हैं। अर्थव्यवस्था जब बड़ी होती है तो रोजगार मिलता है। अर्थव्यवस्था जब बड़ी होती है तो रास्ते बनते हैं, पुलिया बनती है, रेलवे बनते हैं, एयरपोर्ट बनते हैं। अर्थव्यवस्था जब बड़ी होती है तो हमारे युवाओं के हाथ को काम मिलता है, उनका अवसर मिलता है। अर्थव्यवस्था जब बड़ी होती है तो सरकार के पास भी पैसा आता है, जिस पैसे से गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को हम मदद कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था जब बड़ी होती है तो देश मजबूत होता है। अर्थव्यवस्था जब बड़ी होती है तो जो बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश होता है उसकी ओर कोई टेढ़ी नजरों से देख नहीं सकता। अर्थव्यवस्था जब मजबूत होती है तो देश भी मजबूत होता है। यह करने का काम आज मोदी जी ने किया है। लेकिन देखिए जहां जहां सरकारें दूसरी पार्टियों की आई, कांग्रेस पार्टी की आई, उन्होंने ये प्रयास किया कि मोदी जी की ये जो रेल है जो बड़ी तेजी से चल रही है, इस रेल को डीरेल कैसा करें। और फिर
जहां पर हमारे भूमि पुत्र होने के नाते आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी इस राजस्थान को पानी पिलाने के लिए, हर घर पानी देने के लिए 30,000 करोड़ रुपया देते हैं, और गहलोत जी की सरकार वो सारा पैसा खा जाती है और डकार भी नहीं देती। लोग प्यासे के प्यासे हैं और इनके जेबों में सारा का सारा पैसा चला जाता है। हजारों करोड़ रुपए जो मोदी जी की योजनाओं से राजस्थान में पहुंचे, गहलोत जी कभी ना कभी हिसाब तो देना पड़ेगा। हिसाब हम लेकर रहेंगे, क्योंकि ये पैसा आपका नहीं है, ये पैसा जनता का पैसा है, ये गरीबों का पैसा है, ये उनके लिए आया हुआ पैसा है। इस एक एक पैसे का हिसाब गहलोत जी आपको देना पड़ेगा, और आपको भी ये हिसाब मांगना पड़ेगा। और हिसाब मांगने के लिए जब ये सरकार चुनाव के लिए सामने जाएगी, उस समय इनको हिसाब मांगना, ये हिसाब दे नहीं पाएंगे, तब जाकर इनको घर बैठाना। दोस्तों, आज जहां जहां मोदी जी का साथ देने वाली सरकार है, वहां विकास की गति डबल इंजन से भागती है। एक इंजन मोदी जी का और उसके साथ साथ दूसरा इंजन राज्य का, मुख्यमंत्री का। जहां डबल इंजन लग जाता है तो तेजी के साथ विकास होता है। लेकिन यहां तो राजस्थान में मोदी जी अगर आपके विकास को दिल्ली की ओर ले जाना चाहते हैं, तो ये दूसरा इंजन लगाकर मद्रास की ओर जाने की कोशिश करते हैं और आप जहां के वहां रहते, इस प्रकार की अवस्था हमको देखने को मिलती है। इसलिए दोस्तों, आज आवश्यक है। कई बार लोग कहते हैं गहलोत जी ने क्या किया, गहलोत जी ने क्या किया। मैं उनको बताना चाहता हूं, गहलोत जी ने किया नहीं किया ऐसा नहीं है। गहलोत जी ने हमारे राजस्थान को पहले नंबर पर लाया। आज देश में सबसे ज्यादा बलात्कार राजस्थान में होते, बलात्कार में पहले नंबर पर राजस्थान आ गया। आज देखिए सबसे ज्यादा क्राइम राजस्थान में दिखाई पड़ता है, तो राजस्थान पहले नंबर पर आ गया। आज भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार ये राजस्थान में हमको दिखाई पड़ता है, तो राजस्थान पहले नंबर पर आया। तो हमारे गहलोत जी ने राजस्थान को पहले नंबर पर लाया, पर भ्रष्टाचार में, अनाचार में, दुराचार में, अत्याचार में राजस्थान को पहले नंबर पर लाया। अरे राजस्थान जो महाराणा प्रताप का राजस्थान है, जिस महाराणा प्रताप ने इस पूरे भारत में एक इस प्रकार का तेज जागृत किया था कि पूरा भारत उस समय उनसे प्रेरित होकर मुगलों के खिलाफ लड़ने लगा था। अरे मैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से आता हूं, जिस धरती में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को रोकने का काम किया और स्वराज को तैयार करने का काम किया, उस धरती से मैं यहां पर आता हूं और महाराणा प्रताप जी को वंदन करने के लिए मैं आता हूं। लेकिन ऐसे हमारे गौरवशाली राजस्थान को जिस समय हम इस प्रकार से बदनाम होते हुए देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हिसाब मांगना पड़ेगा। और इसलिए ये यात्रा, ये परिवर्तन की यात्रा है। लेकिन परिवर्तन केवल सरकार का नहीं चाहिए, हमको केवल मुख्यमंत्री नहीं बदलना है, केवल कुर्सी नहीं बदलनी है, हमको परिवर्तन करना है आम आदमी के जीवन में, हमको परिवर्तन करना है किसानों के जीवन में, हमको परिवर्तन करना है युवाओं के जीवन में, हमको परिवर्तन करना है मजदूरों के जीवन में, हमको परिवर्तन करना है महिलाओं के जीवन में, हमको परिवर्तन करना है यहाँ की व्यवस्था में। जो व्यवस्था आपका पैसा खा जाती है, उस व्यवस्था को बदलने के लिए भाई गजेंद्र शेखावत जी इस परिवर्तन यात्रा को लेकर निकले हैं। आज देखिए हम सब लोगों ने जो सपना देखा था कि भारत एक दिन विश्व गुरु की ओर जाएगा, आज धीरे धीरे वो सपना सच होता हम देख रहे हैं। जिस समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चलते हैं और उनके पीछे दुनिया के सारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चलते हुए हमको दिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि भारत कहां पहुंच गया। दोस्तों, ये मोदी जी का सम्मान नहीं है,
ये भारत देश का सम्मान है, भारत देश का सम्मान है। आज दुनिया का जो सबसे बड़ा देश, मजबूत देश माना जाता है, सबसे पैसे वाला देश माना जाता है, उस अमेरिका के राष्ट्रपति भी कहते हैं मोदी जी अगर अमेरिका आते हैं तो हमको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इतने लोग उनके कार्यक्रम के पास और टिकट हमको मांगते हैं कि हम उनको नहीं दे पाते। मोदी जी का सिग्नेचर वो मांगते हैं, कोई राष्ट्रपति आकर मोदी जी के पैर छूते हैं, कोई राष्ट्रपति आकर मोदी जी को बॉस बोलते हैं। इस प्रकार का चित्र मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। हमारे मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री थे, भले आदमी थे, आदमी अच्छे थे, लेकिन जब इस प्रकार के G20 के मंच पर जाते थे पता ही नहीं चलता था कहाँ है, फोटो में कहाँ खड़े ये भी पता नहीं चलता था, कब आए कब गए पता ही नहीं चलता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज परिस्थिति ऐसी है कि दुनिया के सारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ सेल्फी खिंचाने के लिए खड़े हैं, मोदी जी के साथ लाइन लगाकर हाथ मिला रहे हैं। ये भारत को इस मकाम पर मोदी जी लेकर गए। इसलिए दोस्तों अब जो सरकार चुननी है वो मोदी जी का साथ देने वाली सरकार चुननी है। मैं आपको बताता हूं अगले 5 साल ये भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण 5 साल होने वाले हैं। मोदी जी ने एक ऐसे मकाम पर लाकर हमको खड़ा किया है, अब हमको कोई रोक नहीं सकता, अब दुनिया की कोई ताकत भारत की प्रगति को रोक नहीं सकती, और इस प्रगति के साथ राजस्थान को भी लेकर हमें जाना है। दोस्तों गजेंद्र भाई साहब ने जो बात कही वो बहुत सही है। देखिए ये किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार के लोग हैं, ये कैसे लोग एकत्रित आए हैं। वो जूनियर स्टालिन वहां पर कहता है कि हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म ये मलेरिया, डेंगू, एड्स इसके जैसा है, वो कहता है ये कोविड जैसा है, और कोविड को नष्ट कर देना चाहिए और हमारे धर्म को भी नष्ट कर देना चाहिए। और उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष खरगे जी का बेटा प्रियांक खरगे जो वहां पर मंत्री है वो भी कहता है सनातन को नष्ट कर देना चाहिए। फिर इनके उत्तर प्रदेश के साथी कहते हैं सनातन को नष्ट कर देना चाहिए। इस 140 करोड़ के देश में अगर कोई यहां पर ये कहता है कि सनातन को नष्ट कर देना चाहिए, जो इस देश के 80% लोगों की आस्था है, उस आस्था को समाप्त करने का कोई अगर यहां पर सपना देखता है तो ऐसे सपने को चूर चूर करने का काम ये आपको करना होगा। जो सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं उनकी राजनीति समाप्त हो जाए, इस प्रकार का काम ये आपको करना होगा। और इसलिए मैं आपको इतना ही कहने के लिए यहां पर आया हूं, ये जागने का समय है। पिछले समय थोड़े वोटों से धोखा हो गया तो 5 साल पछता रहे हो, न बिजली है न पानी है, इस प्रकार की अवस्था आपकी हो गई। अब सारे लोग जागेंगे और जागकर जब आप लोग मैदान में आएंगे तो इस राजस्थान में भी मोदी जी का साथ देने वाली सरकार आएगी, यहाँ के मुख्यमंत्री जी भी मोदी जी के इंजन के साथ अपना इंजन जोड़ेंगे तो राजस्थान के विकास की ट्रेन ऐसी गति से भागेगी कि राजस्थान को भी कोई कभी रोक नहीं पाएगा। लेकिन यह आपके हाथ में है, इसलिए आपको निवेदन करता हूं परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया है, अब परिवर्तन कीजिए राज्य में। यहां नहीं, यहां तो हमारे विधायक है और हमारे सांसद है, लेकिन राज्य में परिवर्तन कीजिए और बीजेपी के हाथ में बागडोर दीजिए। इतना ही कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।